स्वागत है आपका हमारे सनी कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चेंजिंग स्लाइड लेआउट के बारे में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है यह चेंजिंग स्लाइड लेआउट, जो किस तरह से हम लोग अपने स्लाइड के जो है लेआउट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और काफी सारे प्रश्न जो है इसे पूछे भी गए हैं, तो ये आप लोगों को अभी जितने भी कंटिन्यू टॉपिक देखने को मिले हैं, ये बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को देखने को मिले हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो है आज का यह वीडियो है हमारा चेंजिंग स्लाइड लेआउट के बारे में। जो चेंजिंग स्लाइड लेआउट क्या होता है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, और उसका यूज हम लोग किस तरह से अपने प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं उन चीजों को समझेंगे। ठीक है, और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी होगा वो सभी हम लोग समझेंगे चेंजिंग स्लाइड लेआउट के बारे में। और जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जल्द से जल्द जुड़े, बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, जुड़ भी चुके हैं काफी सारे बच्चे, अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं। ठीक है, और घर बैठे अपना तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, खास के यह समस्या आती है ग्रामीण क्षेत्र में, जो गांव से जो है शहर काफी दूर पड़ता है तो वहां जाने में बच्चों को समस्याएं होती है, तो वैसे बच्चे घर बैठे अपना जो है तैयारी कर सकते हैं हमसे जुड़ के। ठीक है, और जो भी बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, जो कि हमारा बेल्ट्रॉन कोर्स के नाम से जो पीडीएफ है वो आप लोगों बहुत सारे बच्चों ने अभी तक परचेज कर लिया है, और जो भी बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो लोग हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके अभी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, परचेज के कुछ ही सेकंडों में आप लोग को पीडीएफ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं चेंजिंग स्लाइड लेआउट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन के अंतर्गत चेंजिंग स्लाइड लेआउट के बारे में समझेंगे, जो लेआउट कैसे बदलना है। ठीक है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को जो है हमको फॉलो करना है, यानी जो भी नीचे स्टेप दिए गए हैं उसके अनुसार जो है हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का लेआउट जो है बदल सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले हम उस प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे जिसमें हमें स्लाइड का लेआउट बदलना है। ठीक है, दूसरा है हमारा, अब हम उस स्लाइड को क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे जिसका लेआउट हमें बदलना है। तीसरा है हमारा, रिबन पर स्थित होम टैब पर क्लिक करेंगे, उसकी सभी कमांड्स स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। होम टैब में बाई ओर यानी लेफ्ट साइड में हमें स्लाइड ग्रुप मिलेगा, यहाँ लेआउट कमांड का बटन रहता है। ठीक है, जब हम अगला स्टेप है, जब हम लेआउट कमांड के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हमें स्लाइड लेआउट के विभिन्न ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देंगे, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो दिखाई देता है वह है टाइटल स्लाइड का। ठीक है, तो इसे हम प्रेजेंटेशन में टाइटल और सब टाइटल लिखने के लिए सबसे पहले लेते हैं। जी हाँ, टाइटल स्लाइड का उपयोग जो है हम लोग प्रेजेंटेशन में टाइटल और सब टाइटल को इंडिकेट करने के लिए सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा स्टेप है वह है टाइटल एंड कंटेंट का। तो टाइटल के साथ कंटेंट लिया जा सकता है, यह कंटेंट टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल, स्मार्ट आर्ट इत्यादि कुछ भी जो है हो सकता है। ठीक है, तीसरा हमारा जो है स्टेप वह है, सॉरी, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वह है टू कंटेंट। तो इस लेआउट में टाइटल के साथ टू कंटेंट ले सकते हैं, यह कंटेंट टेक्स्ट, ग्राफिक, टेबल, स्मार्ट आर्ट इत्यादि कुछ भी जो है हो सकता है। ठीक है, कंपैरिजन, तो कंपैरिजन में क्या होता है, तो यह लेआउट दो कंटेंट की तुलना करने के लिए जो है लिया जाता है कंपैरिजन का। ठीक है, अगला जो ऑप्शन हमारा मिलता है वह है टाइटल ओनली का। तो टाइटल के नीचे आप अपनी इच्छा अनुसार टेक्स्ट बॉक्स, शेप, ग्राफिक्स इत्यादि ले सकते हैं, किसमें, टाइटल ओनली में। ठीक है, टाइटल के नीचे हम अपनी इच्छा अनुसार इन सभी चीजों को ले सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो हमारा, बॉक्स हो, शेप हो, ग्राफिक्स हो, कुछ भी हो। चलिए अगला जो ऑप्शन है हमारा वह है ब्लैंक का ऑप्शन। तो इस लेआउट में एक खाली स्लाइड मिलेगी जिसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार
कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है हमारा वह कंटेंट विथ कैप्शन के बारे में। ठीक है, तो ग्राफिक के साथ टाइटल या कैप्शन का प्रयोग जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा पिक्चर विथ कैप्शन का, तो पिक्चर के साथ टेक्स्ट और कैप्शन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हम लोगों ने क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन के अंतर्गत चेंजिंग स्लाइड लेआउट को समझा, जो इसे किस तरह से इसमें कार्य किया जाता है। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को परचेज नहीं किए हैं, चाहे वो बिहार के किसी भी कोने से हो, किसी भी जिले से हो, किसी भी पंचायत से हो, वो लोग जल्द से जल्द जुड़ के इस पीडीएफ को परचेज करके अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा मूविंग बिटवीन स्लाइड का, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।